हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और इस वक्त यह बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से। दरभंगा के भालपट्टी गांव में स्क्रीनिंग करने गई मेडिकल टीम पर हुआ है हमला। आशा कार्यकर्ता से की गई है बदसलूकी। दरभंगा के भालपट्टी गांव में स्क्रीनिंग करने गई मेडिकल टीम पर हमला हुआ है। आशा कार्यकर्ता से बदसलूकी की गई है। डोर टू डोर स्क्रीनिंग के दौरान हुआ है यह मामला। DSP समेत कई थानों की पुलिस वहाँ पहुँच गई है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है गाँव में। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन बड़ी घटना दरभंगा के भालपट्टी गांव में स्क्रीनिंग करने गई मेडिकल टीम पर हुआ है हमला। आशा कार्यकर्ता से हुई है बदसलूकी। आरोपी हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने बात की दरभंगा के SSP बाबूराम से, उन्होंने कहा है कि आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। SSP ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से युद्ध के दौरान जो भी कर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनके काम में अगर कोई बाधा डालेगा तो पुलिस को सख्त निर्देश दिया गया है कि सख्त सख्त धाराओं में उस पर FIR दर्ज हो और तुरंत उसे जेल भेजा जाए। SSP बाबूराम ने दिया यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण से युद्ध के दौरान जो भी कर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनके काम में अगर कोई बाधा डालता है तो सख्त कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त धाराओं में FIR दर्ज होगी और तुरंत उसे भेजा जाएगा जेल। साथ कुछ नहीं स्पेसिफिक, सर्वे चल रहा है जिसमें COVID-19 के अंतर्गत जो कुछ लोग बाहर से आए हैं उसका दिशा प्राप्त निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें कि उस गांव में कुछ लोगों का सर्वे किया जाना है 5 दिनों तक आशा NM कार्यकर्ताओं के माध्यम से। वही एक आशा कार्यकर्ता भालपट्टी में वार्ड नंबर 4 में सर्वे के लिए गई थी तो सूचना ये प्राप्त हुआ हम लोगों को कि उसके साथ कोई मिसबिहेव किया, कागज उगज फाड़ दिया है। इसी क्रम में फिर हम लोग वहाँ जो है भालपट्टी OP के जो प्रभारी हैं वो पहुँचे थे वहाँ। फिर हम लोग को भी जब सूचना मिली कि यहाँ कुछ तनाव व्याप्त है तो हम लोग भी वहाँ पहुँचे थे और जो दोषी था उसको गिरफ्तार किया गया। हम महिला लिखित शिकायत दर्ज की है, हाँ इस तरह का वो आरोप लगाई है। मामला COVID-19 का सर्वे हो रहा था, हम लोगों को माइक्रो प्लान दिया गया, माइक्रो प्लान के हिसाब से काम हो रहा है। शुरू का घर में काम किए, शुरू घर के वाले बोले कि जो हम नाम पता नहीं लिखाएंगे, तो गार्जियन का नाम पता था आशा को, लिख के हम लोग आगे बढ़ गए। 4-5 घर काम किए, छठा वो घर में आ गए। आने के बाद उस घर में पता है वो सब लोग लिखा रहे थे, उनके पापा थे जो झंझट के, उनके पापा लिखा रहे थे। वो बोले कि हम दरभंगा से, क्या है क्या इसमें लेके जाइए। तो हम बोले कि कौन है, तो वो लोग बोले कि जो हम दरभंगा से आए, इनके मेरे लड़का है। तो बोले कि जो नहीं सब समेटिए लेके जाइए जाइए, तो अपना चल दी समेटने लगी कि वो आंगन गए, आंगन से आए छीन के कागज लगे फाड़ने। वो बोली कि कागज नहीं फाड़िए, हमको रिपोर्ट देना। वहाँ सुतने लगे कागज कि वो क्या किए, जो उसका कपड़ा पकड़ लिए, कपड़ा पकड़ फाड़ दिए। उसके बाद वो कागज समेट के भागने लगी तो लाठी पीछे से खींचने लगे उसको। भालपट्टी गांव में एक आशा वर्कर और आंगनबाड़ी सेविका सर्वे के लिए गई हुई थी, वहीं पर कुछ लोगों ने विरोध किया और एक युवक ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके कागज फाड़ दिए और मारपीट भी की। थाना को सूचना मिली तो थाना तुरंत पहुंचा और उसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, उसको जेल भेजा जा रहा है। सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान जो भी सरकारी कर्मी अपने काम में लगे हुए हैं अगर कोई व्यक्ति उनके काम में बाधा पहुंचाता है या उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसे लोगों से कड़ाई से निपटे, तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए और सख्त से सख्त धाराओं में FIR दर्ज कर उनको जेल भेजा जाए। और आगे भी अगर इस तरह का कोई मामला सामने आया तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। सूचना यही मिला था कि भालपट्टी गांव में कुछ सरकारी कर्मियों के साथ, महिला कर्मियों के साथ कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, मारपीट किया है। इस पर भालपट्टी OP प्रभारी को निर्देश दिया गया कि वो तुरंत पहुंचकर वस्तुस्थिति देखें। उन्होंने पहुंच के वहां बताया कि ऐसे ऐसे करके एक युवक ने 2 महिला सरकारी सेवकों के साथ दुर्व्यवहार किया है। इस पर उनको निर्देश दिया गया कि तुरंत इसकी गिरफ्तारी करके इसको थाना लाया जाए। सभी सरकारी कर्मियों को कोई डर की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो पुलिस हमेशा तत्पर है उनकी सहायता के लिए। और कोई भी आदमी अगर उनके साथ मिसबिहेव करेगा, उनके काम में बाधा डालेगा, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।